तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने विंडोज 11 के अंदर ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट को डिसेबल। तो ये विंडोज 10 और 11 दोनों में वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने चला जाना है यहाँ पे स्टार्ट बटन पे, एंड स्टार्ट बटन पे कर लेना है क्लिक। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे पावर बटन दिख रहा है, तो उस पर कर लेना है क्लिक। एंड पावर बटन पे आपको कुछ दो प्रकार के ऑप्शन दिख जाते हैं, एक होता है रीसेट या फिर कह लो रीस्टार्ट, दूसरा होता है यहाँ पे जो कि शट डाउन होता है। तो रीस्टार्ट बटन को दबाने से पहले आपको शिफ्ट बटन दबा लेना है और वहाँ पे कर लेना है प्रेस। तो शिफ्ट बटन दबा के कर लीजिए रीस्टार्ट को प्रेस, करते हैं कुछ इस प्रकार से लोडिंग आ जाएगा और ये पहुँचा देगा आपको इस वाले ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे हमको ट्रबल शूट पे कर लेना है क्लिक। तो जैसे ही आप ट्रबल शूट पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाना चाहिए। ट्रबल शूट पे हम कर लेते हैं क्लिक। तो उसके बाद चले जाना आपको एडवांस सेटिंग्स, देन वहां पे चले जाना आपको सिंपली स्टार्टअप सेटिंग्स। तो कर लेते हैं इस पे क्लिक। एंड यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो एनेबल वगैरह वगैरह लिखा रहा है, जो भी चेंजेस आपके विंडोज में आने को आएंगी वो सारे चेंजेस के बारे में लिखा गया। अगर आप यहाँ पे नीचे रिस्टार्ट वाले बटन दबाते हो तो यहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप ये सब चेंजेस ला सकते हो। तो कर लेते हैं इसको क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रेस अ नंबर टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो कोई भी एक नंबर को आपको यहाँ पे डालना है जिससे आपको पता चले कौन सा वाला आप चाहते हो, और यूज फंक्शन कीज और नंबर कीज, तो उससे आप चूज कर सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमको चाहिए 7th वाला, तो सीधा हम दबाते हैं 7 नंबर। एंड 7 नंबर दबाते ही लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट हो चुका है डिसेबल। अब ये सब होने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वापस अपने लॉगिन कर लेना है आईडी पासवर्ड। एंड लॉगिन करने के बाद आप सिंपली अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो में। धन्यवाद।